अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू डूइंग वेल। आई होप सब ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं। आई विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स ताकि ये सारे एक दफा जो है ना वो ज्वाइन कर लें, फिर मैं जो है ना स्टार्ट करता हूँ। आज की जो कॉन्वर्सेशन है वो बड़ी कैंडिडेट सी रखेंगे, ठीक है। आज मेरा कोई स्पेसिफिक जो है ना टॉपिक नहीं है उस तरह से, लम्स के ऊपर ही डिस्कशन होगी। वालेकुम अस्सलाम दलाल। और जो है ना हम बेसिकली आपके जो क्वेश्चन है कोशिश करूंगा कि वो आंसर करने की जो है ना मैं वो आंसर कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन गाइज, जो है जो भी आपके क्वेश्चन है मुझे आप बता दें, एंड ठीक है साथ साथ फिर मैं जो है ना उनको आंसर करता रहता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, आपकी काफी हेल्प जो है ना वैसे ही हो जाएगी। एक तो गाइज जो देखे लम्स का पोर्टल है ना, देखे वो कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत सारे पोर्टल यूज करके देखे हैं, इवन आप जो है ना कॉमन ऐप भी करते हैं, कॉमन ऐप के भी मसले होते हैं, बाहर का कोई पोर्टल होता है उसमें भी इश्यूज आ रहे होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक हो गया। अगर कोई बग आता है, कोई इश्यू आता है, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आपने उसको चलना है। और मैं बच्चों को एक चीज कह रहा हूं बार बार कि आपने साथ साथ ना कोई इश्यू आता है लम्स को ईमेल कर दें, ठीक है। मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग इन राइटिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कल को कोई मसला हो तो आप जो है ना मतलब ये कह सकेंगे जी मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आपने अगर काम किया हुआ है, तो आप एक पीडीएफ उसका बना के ना अपलोड कर सकते हैं, उसमें आप रीजन लिख दें कि यार वो सर्टिफिकेट आपके पास क्यों नहीं है, ठीक हो गया। तो इस तरह की अगर आपको कुछ बेसिक चीजें जो है ना करनी पड़ती हैं, तो आपने प्लीज जो है ना वो मैनेज कर लेना, इसमें कोई आज से जो है ना वो मसला मसाइल नहीं है। तो गाइज ये चीज हो गया। What do we have to upload in the transcript file? ठीक है ईमान, ये तो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो आपके स्कूल से मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपके पुराने ग्रेड्स लिखे होते हैं, ठीक है, समरी इज दिस, और वो आपने जो है ना वो अपलोड करना है, ठीक हो गया जी। ओके बाकी मैं देख लेता हूँ। कैन आई गेट इन टू लम्स विद ऑल एज इन ए लेवल्स एंड फोर ए स्टार्स, ठीक है, एज एंड फोर बीज इन ओ लेवल्स, 1450 प्लस सैट स्कोर। ईमान, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग विद सर्टेनिटी। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो है ना वो आपका सैट स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, बट ओ लेवल्स ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा एवरेज है, तो यू हैव गॉट अ चांस, बट अगैन ठीक है नो वन जो है ना मतलब कैन से दिस विद अश्योरिटी और सर्टेनिटी कि नहीं हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब जो उनकी एवरेज है ओ लेवल्स की वो ऑलमोस्ट जो है ना 8 A's पे चली गई है, ठीक है, बट आपका सैट स्कोर अच्छा है, सो दैट समथिंग जो है ना मतलब दैट्स एन एडवांटेज दैट यू हैव, ठीक है। दोबारा से मैं जो है ना वो ठीक है आपको बता दूं, ठीक है, अगर आपकी अब्दुल्ला मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट नहीं है ना, तो आपने अपना फाइनल जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना, ठीक है, नो इशू, अगैन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, इंटेलिजेंटली जो है ना प्ले राउंड करें। एक दो चीजें जो कि मैं जो है ना वो भी बताना चाह रहा था, बच्चे में से जो है ना एल ओ आर का बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है, आपके जो एल ओ आर है वो टीचर फिल करेगा, वंस यू सबमिट द एप्लीकेशन लम्स की तरफ से उन इंस्ट्रक्टर्स को ईमेल चली जाएगी, ठीक है जी, तो आपने वो फिर उनका काम है, वो खुद अपलोड करेंगे, और आपने उनसे पूछते रहना कि सर आपको ईमेल आ गई, आपने अपलोड कर दी है, ठीक है, ये आपने उनसे थोड़ा सा जो है फॉलो अप रखना है, ठीक है जी। ईमान, इंटरनल ग्रेड्स आपके जाते हैं जी, जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसके अंदर इंटरनल ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। कैन ए ए बी ए लेवल कॉम्पोजिट गुड पर्सनल स्टेटमेंट एंड सैट स्कोर ऑफ अप, ठीक है, कवर अप फॉर बिलो एवरेज ओ लेवल ग्रेड्स। आर एज अगैन यार कोई अश्योरिटी नहीं है, ठीक है, बट यस जो है ना वो अगर आपका सैट का स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका जो है ना वो कॉम्पोजिट जो है ना आपका ए लेवल भी अच्छा है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। हसनैन, फिर आप जो है ना ये देखो, ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं ये आप लम्स को साथ ईमेल करें, ठीक है, फौरन जब आप उसको लिखते हैं तो आप उनको ईमेल करें फौरन, ठीक है, कि यार मेरे 5 जो है सब्जेक्ट से उन्होंने 8 का बना दिया है, और जबकि जो है ना मेरे 5 सब्जेक्ट के ग्रेड जो है ना वो ये हैं, ठीक है, तो दे विल अंडरस्टैंड। राफे देखे, ट्रांसक्रिप्ट होना तो जरूरी है, ठीक है, इसकी रीजन क्या है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, ठीक है, आपने ग्रेड तो अपलोड करने ही करने हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट तो जो है ना वो मस्ट है, वो तो नाम से देखना ही देखना है। ईमान, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपकी अच्छी है, सॉलिड है, डेफिनेटली दे ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है, यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, हर चीज आपको वेटेज देती है। सो आई हैड अ फ्रेंड जिसका जो है ना स्पोर्ट्स की बेसिस के ऊपर लम्स के अंदर हुआ था, ठीक है, ही वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर, और फिर वो लम्स के थ्रू उसने जो है ना उसको मतलब क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट भी किया था।
ठीक है। ठीक हो गया। शावल जो है ना, वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। सो अ गुड पर्सनल स्टेटमेंट इज अ मस्ट। और पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर मैंने थॉरली जो है ना, मतलब एक और वीडियो भी बनाई थी, आई होप आप उसको देख लें, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सुलेमान, टीचर इवैल्यूएशन आप खुद अपलोड नहीं करते, वो आपके इंस्ट्रक्टर ही करते हैं आफ्टर वर्ड्स, ठीक है। वंस यू सबमिट द एप्लीकेशन, ठीक है, तो टीचर्स को ईमेल चली जाएगी और वो आपकी जो है LOR जो है ना वो अपलोड करेंगे, ठीक है। और थर्ड तक आपके पास टाइम है कि आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके फिर आपने वो अपलोड कर देने हैं। चले राफे, जो भी है सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड कर दें। अगेन बी इंटेलिजेंट, अगर अगर कोई नई आपके पास चीज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको कि आपने अप्लाई नहीं करना, प्ले अराउंड विद इट, ठीक है। बी इंटेलिजेंट। एक चीज जो है ना, जो मैं बच्चों को बार बार कह रहा हूं कि कुछ झूठ मत बोले, कुछ छुपाए नहीं, ठीक है। मेक श्योर अगर कोई चीज नहीं है उनको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दें, ईमेल करें उनको, ठीक है, एंड मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग इन रिटन। ईमान, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अगर आप जो है ना वो नेशनल लेवल जो है ना, मतलब ठीक है, फीमेल फुटबॉल प्लेयर हैं, दैट्स वेरी गुड। आई एम श्योर कि जो है ना आपको उस चीज का एडवांटेज जो है ना मिलेगा, एज मिलेगी। सुल्तान जो है ना, वो 1 फरवरी इज नॉट द एप्लीकेशन डेडलाइन टू सबमिट द LOR, 1 फरवरी इज द डेडलाइन टू सबमिट द एप्लीकेशन जो आपकी ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। उसके बाद जो है ना टीचर्स को ईमेल जाएगी, यार एक दफा सुन लें, ठीक है। वो मतलब 1 फरवरी जब तक आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, ठीक है, टीचर्स को LOR कैसे जाएगी। हाउ मेनी अवार्ड डू यू नीड मिनिमम? सुहा अगैन, ठीक है, इसमें कोई जो है ना वो मिनिमम मैक्सिमम वाली चीज नहीं होती। अगर आपकी 2-3 भी हैं और वो अच्छी हैं तो वो 10 से हो सकता है बेहतर हो, ठीक है। खाली जगह फिल नहीं करनी, ठीक हो गया। ओके सर, वी हैव 90% प्लस मैट्रिक इन मैट्रिक एंड FSC, वुड दैट कॉम्पनसेट इफ यू गेट अ लो SAT स्कोर? SAT जो है ना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट और लम्स जो है ना काफी ज्यादा वेटेज उसको देता है, ठीक है। दो चीजें सबसे पहले देखी जाती हैं, एक आपका मैट्रिक या ओ लेवल के ग्रेड्स है और फिर SAT का स्कोर है, उसके बाद ये बाकी चीजों पे आते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें जो है ना, मतलब इनमें से कोई मसला है तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको जो है ना मतलब वो इशू हो थोड़ा सा, बट अगैन ठीक है, बाकी सारी चीजें भी आएंगी तो वो कॉम्पनसेट कर देंगी होपफुली। मिनिमम ग्रेड रिक्वायरमेंट वो 2B1C का कहते हैं, ठीक है, बट उन्होंने काफी कॉम्पनी जो है ना डिफरेंट ऑप्शन बना दी है, ठीक है, बट 2B1C टाइप आपका होना चाहिए, ठीक है। वॉट टू डू इफ यू हैवंट रिसीव्ड योर SAT स्कोर येट एंड प्लानिंग टू अप्लाई फॉर LCAT? सुलेमान, आपने कौन सा जो है ना SAT दिया है? सारे स्कोर आपके जो है ना वो दिसंबर के भी आ गया है, ठीक है, आप तो खाली मार्च वाला SAT रह गया, तो कौन सा आपका SAT का स्कोर नहीं आया? अच्छा, ऑनर्स एंड मनाल मैं आपको बता देता हूँ अवार्ड्स एंड ऑनर्स और एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर क्या फर्क है। एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आप कहते हैं कि अच्छा यार आपने ये काम किया, ठीक है, लेट्स से आपने जो है ना वो ठीक है कोई एक्टिविटी की आप बात कर सकते हैं कि यार अच्छा मैं जो है ना वो ठीक है अपनी स्कूल टीम के अंदर था, या मैंने जो है ना मतलब 3 साल जो है ना मतलब रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान अपनी जो है ना वो टेबल टेनिस टीम को या क्रिकेट टीम को, ठीक है, वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। लेकिन अब अगर उसके अंदर आपका कोई अवार्ड है तो वो आपका ऑनर्स के अंदर आ जाएगा कि अच्छा यार हमने फिर नेशनल लेवल पे जो है ना वो रिप्रेजेंट किया एंड वी केम फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, या हमने इस कंपटीशन में जाके भी खेली क्रिकेट जिसमें हमारा स्कूल जो है ना वो उसकी ये पोजीशन आई, तो वो फिर आपकी अवार्ड में जो है ना कन्वर्ट हो जाती है। एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है और उसके अंदर आपने कोई चीज अचीव की है तो वो अवार्ड्स के अंदर आ जाते हैं। वो अवार्ड्स आपके एकेडमिकल अचीवमेंट भी बता सकते हैं, आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। गुड क्वेश्चन ईमान, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है आशीष, ठीक है, बट वही वाली बात आ कि कॉमन ऐप पे उन्होंने 10 आपको जो है फील्ड्स दी होती हैं कि आपने 10 फील्ड्स के अंदर चीजें बतानी है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल रूल आपका 10 का है, 10 से ज्यादा एक्टिविटीज पॉसिबल भी नहीं है ना, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप क्या कुछ करते रहे हो। अगर आपकी 5-6-7 भी हैं तो इट्स गुड, ठीक है। इफ यू हैव स्ट्रेट एज एंड एज इन ओ एंड ए लेवल्स बट लो SAT स्कोर, अगैन कितना लो है डिपेंड करता है। लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट का 1080 पे भी हुआ, मतलब इससे कम मैंने नहीं देखा, ठीक है, 1080 पे भी मेरी एक स्टूडेंट का लास्ट ईयर जो है ना मतलब हुआ है, बट उसके जो है ना मैट्रिक FSC की थी तो उसके परसेंटेज बहुत हाई थी, पर्सनल स्टेटमेंट बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी थी। तो देर आर जो है ना मतलब केसेस जहां पे ऐसे सिनेरियोज हुए,
ठीक है ईमान, आपने साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो है ना वो सैट सब्जेक्ट टेस्ट की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। शुड आई गिव डिजिटल सैट, ठीक है डिजिटल सैट अगर तो आपने पहले नहीं दिया हुआ तो डेफिनेटली फिर आपको या तो एलकैट की तरफ जाना पड़ेगा या आपको डिजिटल सैट की तरफ जाना पड़ेगा। मेरी प्रेफरेंस डेफिनेटली सैट की है बिकॉज सैट एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है और एलकैट का तो स्कोर भी पता नहीं चलता, ठीक है। सैट का सर आपको ब्रेकडाउन भी आता है, सिलेबस भी है, कॉन्टेंट भी अवेलेबल है, हमारा सेशन भी चल रहा है सैट का, ठीक है, तो हम बच्चों को करवा रहे हैं साथ साथ। इनफ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश पोर्शन ऑफ सैट शवल मोर देन इनफ, अगर आप थॉरली करें तो आराम से हो जाएगा, कितना मसला नहीं है, ठीक है। वलीद, इफ यू हैड जो है ना मतलब इफ यू हैव वन डी इन ए लेवल्स, दो बी एक सी की जो है ना वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर एक डी है और बाकी दो ए है, ठीक है, तो वो एक ना उन्होंने लम्स दे पूरे बनाए हुए हैं, शायद उनकी वेबसाइट पे भी है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना दिए हैं, ठीक है, तो मतलब ऑन एवरेज मेरे ख्याल से जो है ना बी या सी जो है ना वो आना चाहिए, अगर एक डी है तो बाकी वली जो है ना सब्जेक्ट्स में क्या है मुझे वो बताएं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन जो है ना बेहतर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन आगा जी, क्या हाल है, ठीक है आप? दरगाम भाई भी पूछ रहे थे आपको, अगर उसका सर्टिफिकेट ना हो एक्टिविटी का, अगर आपका सर्टिफिकेट जो है ना वो नहीं है तो उसको जो है ना वो एक पीडीएफ में ना, ठीक है, वर्ड में ना लिख के पीडीएफ बना दे और आप मेंशन कर दे उसको अपलोड कर दे बेशक, ठीक है। अच्छा, टीचर हैज गिवन यू द रॉन्ग ईमेल, अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग, आप फिर फौरन जो है ना लम्स को ईमेल करें, उनको बताएं कि जो है ना जी इस ईमेल पे मेरे टीचर को कांटेक्ट कर लें, ठीक है, उन जो है ना वो गलती से वो गलत ईमेल चला गया, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। अहमद, दे यूजली डोंट डू दैट, ठीक है, बट यस, ठीक है, दे हैव द अथॉरिटी, दे कैन आस्क फॉर एनी थिंग, आपने कोई चीज लिखी है वो आपको कॉल भी कर सकते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑल्दो लम्स जो है ना यूजली डजंट डू दैट, ठीक है जी। रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, इश्वा आपको रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, मैं बच्चों को ये भी कह रहा हूं कि प्लीज एक्स्ट्रा चीजें ना भेजें, अगर आपने जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है तो डेफिनेटली आप पर्सनल स्टेटमेंट में और जगहों पे उसको मेंशन जरूर कर सकते हैं, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बट अगैन उसकी रिकमेंडेशन आपको अलग से भेजने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आपने कोई बहुत नेक्स्ट लेवल काम किया है, कोई मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की आपके पास रिकमेंडेशन है, ठीक है, फिर आप भेज दें, ठीक है, अदरवाइज जो है ना मतलब अगैन ओवरडू मत करें, जितनी चीजें हैं उनको सही तरह करने की कोशिश करें, ठीक है। हमारा टीचर रिकमेंडेशंस तो नेसेसरी हैं, ठीक है, जब आप उनको फॉरन अगैन, ठीक है, कॉल करें ऐसे केसेस के अंदर इमीडिएटली कांटेक्ट देम और उससे पूछे कि जो है ना वो इस केस में मैं किस तरह से जो है ना अप्लाई करूं, मैं किसकी जो है ना मतलब टीचर रिकमेंडेशन तो मस्ट है, वो तो मांगेंगे मांगेंगे। सबमिट लो स्कोर, नहीं लो स्कोर से तो बहुत बेहतर है कि आप दोबारा से अपेयर हो जाएं, ठीक है, डेफिनेटली मैं तो आपको यही कहूंगा, ठीक है, ठीक है। मनाल जी, आपका जो है चीफ एडिटर अगर आप नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ये चीज आएगी, ठीक है, एक पोजीशन होल्ड की आपने। एलकैट और सैट जो है ना वो काफी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, ठीक है, लम्स ने अपनी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था कि आपको दोनों देने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से एक चीज दें, ठीक है, इधर गो फॉर सैट और गो फॉर एलकैट। शहरियार जो है इंटरनल ग्रेड्स डेफिनेटली मैटर करते हैं, ठीक है, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट बनती है उसमें इंटरनल ग्रेड्स लिखे होते हैं, ठीक है। ओके, जी सोहा आप मेंशन कर दें, दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यस ईश्वर, ठीक है, दे कैन, ठीक है, फर्स्ट के बाद भी वो कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम जो है ना ऊपर मिल जाता है। सम सोर्सेज आते थे इंग्लिश, यार वो फिर आपको बाय करने पड़ेंगे, ठीक है, वो क्योंकि डिजिटल स्टार्ट करना अभी उस तरह से जो है ना वो रिसोर्सेज है नहीं, ठीक है, मैंने खुद कुछ सोर्सेज जो है ना वो बाय किए थे, ठीक है, फिर कुछ जो है ना मतलब मुझे पर्सनली भी जो है ना मतलब बाहर से कुछ सोर्सेज आए थे, मैंने सारा मटीरियल अपना फिर उनसे बनाया खुद। जी जी, लाइव बाय ट्रांसक्रिप्ट मस्ट है, ठीक है, वो आपने डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, व्हाट इफ बोर्ड टीचर्स की रिकमेंडेशंस डिफरेंट हो, तो ऑब्वियसली बात है बोर्ड टीचर की रिकमेंडेशन डिफरेंट ही होगी अब्दुल्ला, मतलब दो टीचर दो ही लिखेंगे ना यार, मतलब दोनों सेम तो नहीं लिख देंगे।
ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपने खुद लिख के दोनों को तो नहीं भेज दी यार, खुदा का खौफ करना, थोड़ा सा ध्यान करना इस चीज का, ठीक है। जी हसनात, ऑल सैट अटेम्प्ट्स, बच्चे ये बार बार पूछ रहे हैं, जब आपने कॉलेज बोर्ड के थ्रू रिजल्ट भेजना है अपना, ठीक है, तो उसमें आपने मेंशन करना है कि सेंड ऑल स्कोर्स। लम्स बार बार ये बात कर रहा है कि आपने अपने सारे स्कोर्स जो है ना वो भेजने हैं, ठीक है। जी अलिश्पा, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी भी आपके पास जो है ना ऑलमोस्ट 40+ days हैं, बहुत टाइम है यार, आप अभी भी कर सकते हैं सैट को, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, यू हैव इनफ टाइम। इट्स ऑल अबाउट द विलिंगनेस, इट्स ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, ठीक है। इफ यू आर विलिंग टू पुट इन द एफर्ट, इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, यू शुड बी एबल टू एस द एग्जाम, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, कोई ऐसा मसला नहीं है। इमान ने कहा, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई हर्ड, सम पीपल अप्लाई टू अदर स्कूल एंड देन ट्रांसफर, इट इज इजियर टू गेट इन टू लॉ स्कूल एंड देन ट्रांसफर टू बिजनेस, कैन यू इलाबोरेट? ईमान, मेरे टाइम पे जब मैं लम्स में था तब ये हो जाता था, लेकिन अब स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा हो गई है, नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, और कुछ स्कूल्स तो शायद अलाउ भी ना करें, आप जो मैंने रिसेंट सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आप कंफर्म कर लीजिएगा, उनको कॉल करके उनकी पॉलिसी पूछ लें, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे ये हरकतें करने शुरू हो गए थे, ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल विद दैट, ठीक है, प्लान, ठीक है, बिफोर हैंड, ठीक है। 60 subject books तो आपको यार ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। आप शहरियार अपने सारे स्कोर्स भेजेंगे और वो हाईएस्ट स्कोर वाला आपका कंसीडर करेंगे, ठीक है, आपने स्कोर सारे सेंड करने हैं, ठीक है, बट लम्स आपका हाईएस्ट स्कोर कंसीडर करेगा, ठीक है जी। जी ऑन, ओके, जी जी हुमा, दैट्स फाइन, ठीक है, अगर आपने जो है ना एक पहले दे दिया हुआ है और दो आपने जो है जून में देने हैं, दैट्स ओके, ठीक है, या आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, आपके पास सिर्फ स्कूल सर्टिफिकेट है, फिर आप वो अपलोड कर दें, दैट्स फाइन, ठीक है। अलाम्स कहते हैं कि जो है ना वो आप देखिए, अगैन चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करें, ठीक है, मैं बात जो कर रहा हूं, ठीक है, जो जो चीजें आपके पास है आप प्रोवाइड करें, ठीक है, आपके ग्रेड्स जाने हैं, सर्टिफिकेट्स आपके जाने ही जाने हैं वो, ठीक है, अगर आपके पास जो है ना ट्रांसक्रिप्ट है तो फिर तो आपकी सारी चीजें वैसी पूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैट्रिक का या ओ लेवल के ग्रेड्स जाने हैं, ठीक है, अगर आपने AS दिया हुआ है तो वो जाएगा, ठीक है, A2 दिया हुआ है तो वो जाएगा, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। और अगर आपके पास इंटरनली ग्रेड्स ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, जैसे मैट्रिक के बच्चे कई बार मुझे कह रहे हैं कि हमारे स्कूल नहीं देता, या मैं ऐसे स्कूल से हूं सर जिनके पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, तो आप फिर अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, ये कीप थिंग सिंपल, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो गया अलीशा, दैट्स फाइन, मैं उसी चीज को आपको कह रहा हूं, दैट्स ओके, ठीक है, आप मेंशन करते हैं उसको, ठीक है, और जो है ना वो आप अपलोड करते हैं सर्टिफिकेट। नवीद ने कहा जो है ना वो, सर कैन वी चेंज मेजर सब्जेक्ट्स बिकॉज ड्यू टू मिस्टेक आई चोज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन आई वुड स्टडी पॉलिटिकल साइंस, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है, सेम स्कूल के अंदर ना आप जो है ना, जब आप सेम स्कूल के अंदर होते हैं ना, ठीक है, फिर इतना मसला नहीं होगा, फिर आपने एक साल बाद ही अपना मेजर डिक्लेयर करना है, वो हो जाएगा, ठीक है। सर आई हैव सेंट माय ऑल स्कोर्स एंड सबमिटेड द एप्लीकेशन, व्हाट नाउ? अहमद, आपने कॉलेज बोर्ड के थ्रू ऑल स्कोर सेंड करने हैं, ठीक है, तो वहां से आप दोबारा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स फेस्ट, सो आप कह सकते हैं डाल दें, ठीक है, दैट्स ओके। शावल, मैं अब ये तो नहीं कहूंगा, ठीक है, आप जो है ना वो, यस, ठीक है, जो आपका सोशल साइंसेस का है उसमें आपके पास रूम ज्यादा होता है, ठीक है। अब्दुल्ला, नहीं, यू कैन नॉट टेक बोथ, दैट्स ओके। लाइबा, वो डिस्क्लोज नहीं करते, बट यूजुअली क्या होता है कि वो हफ्ते के मेरे ख्याल टाइम देते हैं जो है टीचर्स को। शवल, अगर आपके पास जो है ना वो चीजें नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है मैट्रिक और जो एफएससी के सर्टिफिकेट्स हैं वही आपकी ट्रांसक्रिप्ट कंसिडर हो जाएगी, ठीक हो गया गाइस। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, यही बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बस आपको एक दो टिप्स में, वही वाली बात है, एक तो झूठ नहीं बोलना अपने एप्लीकेशन के अंदर, कोई
कोई भी आपकी जो है ना मतलब कोई एम्बिगुअस सिनेरियो है उनको बताएं, ईमेल कर दें और मेंशन जरूर करें, ठीक है। कहीं पे उनको लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन जेपरडाइज कर देंगे, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट, ठीक है। व्हाट इफ वी डोंट हैव सर्टिफिकेट्स फॉर एनी कोर्स वी टुक, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, सिंस जो है ना मैनी आर पेड एंड एक्सपेंसिव। तो अगर आप पेड एंड एक्सपेंसिव है तो आपने इसका मतलब है कोई कोर्स लिया नहीं है, तो आप मेंशन कैसे कर रहे हो उसको, मतलब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो एल कैट आप ना दें और आप सैट दे दें, दैट्स ओके, लव्स को बता दें। एल कैट जो है इतना मुश्किल नहीं होगा, बस ये है कि उसका पैटर्न आज सच नहीं पता होता, ठीक है, वो थोड़ा सा जरूर देख के जाइएगा। मैंने कुछ जो है ना सैंपल पेपर जो है ना शेयर किए थे अपने स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, वो आपने देख लेना है, और बाकी तैयारी तो सैट वाली है उसकी, ठीक है जी। नहीं हुमा, कोशिश करें आपकी ए लेवल के टीचर्स हों, रीसेंट जो है ना वो आपने टीचर्स से जो है ना वो लेनी है, और आपकी एक्टिविटीज भी ज्यादा रीसेंट वाली होनी चाहिए। कई बच्चे मुझे कहते हैं ग्रेड फोर की एक चीज लिख दूं, मैंने कहा यार को अकल करो यार, ग्रेड फोर मतलब जो है ना, उन्होंने कहना ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो रीसेंट पास वाली चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। शवल जो है ना मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल हैव टू स्ट्रेट अवे अपोलोजाइज बिकॉज बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनल स्टेटमेंट सेंड कर रहे हैं एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू गो थ्रू जो है ईच एंड एवरी पर्सनल स्टेटमेंट। आई वुड लव टू डू दैट बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक हो गया गाइज, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कोई मसला होता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड ठीक है, होपफुली जो है ना मतलब इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू गाइस विल गेट इन, ठीक है। ऑन रीसेट वाली बात तो नहीं है, आप उनको ईमेल कर दें, ठीक है, उनको जो सही टीचर्स जो है ना मतलब आपकी ईमेल एड्रेस है वो भेज दें, ठीक है। शरिया देखिए हर चीज का इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ओ लेवल ग्रेड्स, ए लेवल ग्रेड्स, आपके ट्रांसक्रिप्ट, हर चीज का इम्पैक्ट होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, बट वही वाली बात है कि मेक श्योर कि एक अगर होलिस्टिक प्रोफाइल अगर वो देखें तो दैट शुड स्टैंड आउट, ठीक है। दे डोंट वांट अ पिक्चर परफेक्ट जो है ना पर्सनालिटी, ठीक है, दे वांट अ पर्सन हु हैज ग्रोन ओवर टाइम, हु हैज शोन मैच्योरिटी, ठीक है, हु हैज जो है ना मतलब शोन प्रोग्रेस, ठीक हो गया। चलेंगे गाइस, बेस्ट ऑफ लक, दो में याद रखिएगा, ठीक है, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू गाइस विल गेट इन, इफ नॉट नेवर गिव अप, ठीक है, दैट्स समथिंग आई नो, ठीक है, एंड आई कीप टेलिंग ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है जी, टेक केयर, दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।